खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। हमीरपुर, संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बाहर पेड़ से लटका मिला शव। परिजनों ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध हत्या की आशंका जताई। मामला है हमीरपुर जनपद के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पड़ौरी के नई दिल्ली डेरा का, जहां पर कल रात विजयदशमी के अवसर पर पटाखे छुड़ाने को लेकर हुआ विवाद इस अंजाम को पहुंच गया कि एक युवक की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव के बीरपाल का कल रात पटाखे छुड़ाने को लेकर गांव के ही रामप्रसाद के पुत्रों से विवाद हो गया था, जो कल तो गांव के लोगों के बीच बचाव करने से शांत हो गया, लेकिन देर रात जब बीरपाल का शव घर के बाहर लगे बबूल के पेड़ पर लटका मिला तो गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों ने गांव के लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। लेकिन मामला संदिग्ध होने की वजह से कोई भी खुलकर कुछ बोलने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल दशहरा में अच्छा देवी का स्थान था, अपन पटाखा छुड़ा के अपन फेंकने लड़ गए। तो आपको ये क्या लगता है, आत्महत्या या हत्या? ये सब मार के टांगों का। अच्छा, मार के टांगा गया। मार के टांगों का नहीं, अपने मंत्री मरो आओ। किसी के ऊपर आपको संदेह? हम गायब था बिल्कुल। किसके ऊपर है? ढोला के लड़के हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम रवान बिन छोटू। तो आप क्या चाहते हैं? कहा चाहिए साहब, हमारा तो नाती मरी का है। साहब चाहिए आपको? अब हमारे बताओ तो हमारे नाश हो गए। खबर समय जगत के लिए हमीरपुर से इकराम रायन की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।